ये गड्ढे सोना निकालने के लिए किए गए थे, सच तोड़ तार ही निकल लेते थे। अब तो सीमेंट ईटी लगा दी है। तो कितने अंदर गया था? 100 मीटर कम से कम अंदर गया होगा। उसके बाद पूरा अंधेरा अंधेरा ना। हाँ भाई, चमगादड़ वगैरह आ गए सब कुछ है। और ये गुफा निकलती है आगरा। आगरा हाय, मेरा नाम है ओम और आज हम जा रहे हैं शीश महल। शीश महल शालीमार बाग में या हैदरपुर की तरफ आप रहते हो तो आपको उसके बारे में पता होगा। शीश महल यार सीन ये था, जब मैं 6वीं 7वीं क्लास में था तब हम वहाँ जाके बैट बॉल खेला करते थे। तब मेरा मन था कि यार जब मैं बड़ा हुआ मुझे अगर मौका मिला तो मैं लोगों को इस महल के बारे में बताऊँगा, क्योंकि वो महल काफ़ी अच्छा था उस टाइम और लगभग वो 4 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अब तो वहाँ पे पूरा जैसे लगा लो पार्क टाइप, जंगल टाइप, अकेले जाना सेफ भी नहीं है। तो यार वहाँ जाके दिखाता हूँ। और वहाँ पे कहते हैं वो जगह हॉन्टेड है, और वहाँ पे सुनने में ये भी आता है कि वहाँ पे खुदाई के टाइम बहुत सारा सोना मिला था। वो सारी जगह मैं दिखाऊंगा आपको। और शीश महल कितना प्यारा नाम है ना, तब तक वो सॉन्ग सुनो शीश महल वाला। दिक्कत की बात ये है यार कि इसके अंदर ना तार लगा हुआ है। गार्ड से बात करता हूँ अगर वो जाने के अंदर तो अंदर से दिखा सकूँ। गुड, जो गार्ड है यहाँ के वो मान चुके हैं। मैंने कहा दो दिन बस वीडियो बनानी है तो कह ठीक है आ जाओ। अरे गेट तो बंद, दो मिनट का टाइम दिया रिकॉर्ड करने का क्योंकि पता नहीं क्या है, मगर काम चल रहा है। और अच्छी बात पता है क्या, देखो हम यहाँ बैट बॉल खेलते थे तो उस टाइम सबकी एंट्री होती थी, कोई देखभाल नहीं थी यहाँ की। और अच्छी बात है किसी माउंट आबू स्कूलर और दिल्ली सेक्टर और रोनी सेक्टर 5 का आई थिंक उन्होंने यहाँ का पूरा रख रखाव कर रहे हैं, उनके अंडर में आ चुका है। और ये देखो पीछे का मैं दिखाऊंगा ऊपर से, पहले एंट्री गेट ना इसका ये यहाँ से है। चलते हैं अगर ऊपर, चलते हैं ऊपर का दिखाते हैं। चलो भाई मैं चल ये देखो यहाँ का एंट्री गेट है और ये है शीश महल। चल रहे हैं ऊपर अब शीश महल के। और ये बंद कर दिया गया, एक छोटा सा रूम यहाँ पे है, कबूतर उड़ रहा है। यहाँ पर कुछ है नहीं, बाहर निकलते हैं। महल काफ़ी टूट चुका है। और ये पीछे का हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे राजा बैठता था। और ये जितना भी एरिया है ये पूरा इधर का, यहाँ पे जो राजा थे ना वो यहाँ पे लोगों की मतलब शिकायतें सुनते थे, उनकी सभा यहीं बैठती थी। अब ये भाई गुफा दिखा रहा है मुझे, गुफा की तरह गुफा दिखा भाई, गुफा ना। और दिखाते हैं इसको पूरा, ये देखिए। अब आ गए इस रूम में और इस भाई को ज़्यादा नॉलेज है यहाँ के बारे में क्योंकि यहीं का लोकल है, मैं जहाँ स्कूल में पढ़ता था। तो ये देख रहा हूँ ये गेट, इसके अंदर गुफा है। तो गुफा थोड़ी दिखाते हैं। गुफा ना वो अब दीवारें बंद कर दी गई हैं। वो सीन क्या हो गया था, बंद क्यों की गई थी? बंद इसलिए हो गई थी क्योंकि यहाँ पर पहले कुछ लोग बारात वरात जाया करती थी, पहले टर्म पे पूरी बारात वापस। पहले एक मिनट बंदा ना आज कैमरे के सामने आया तो इतना डर रहा है, वैसे बहुत बकबक करता है। मार बस बाद में मार दे। तो ठीक है, सीन ये हुआ था कि एक पूरी बारात घुसी थी इसके अंदर कि गुफा निकलती है लाल किले के पास है ना। हाँ। इस इंडिया गेट वाले लाल किले, लाल किले के पास, इस वाले की आगरा वाले लाल किले इसी। तो ये गुफा कहते हैं कि लाल किले के पास निकलती थी जिसको ना बारात गई थी और बारात वापस नहीं आई थी। फिर उसके बाद अब ना ये ईंटें नई लगाई गई हैं क्योंकि ताकि शायद मुझे लगता है कि कोई बच्चा चला घुस जाए या कुछ छुपा ना हो इसके अंदर, कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, इसलिए बंद कर दी गई है। और दिखाते हैं आपको गुफा एक बार, ये देख लो यहाँ से। और ये गुफा ना कुछ अजीब सी दिखाता हूँ, ये देखो ये तो जहाँ से वहाँ से एंट्री ली थी हमने, और ये रास्ता है नीचे जाने का और गुफा है इसके ऊपर। और यहाँ से सामने वो देखो भी वहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे ना ईंटें लगा दी गई हैं, पूरा बंद कर दिया गया है इसको। तो यार अमित एक बात समझ नहीं है मेरे को भाई, जो होती थी यार वो तो सब नीचे जाती हैं, ये नीचे ही जा रही है ना, ऊपर से जा रही है, ऊपर से ये यूं जा रही है ऐसे। अच्छा जितनी हमने गुफाएं देखी हैं वो होती हैं नीचे से, बट ये गुफाएं थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे भाई कि ये गुफा ऊपर से क्यों थी अमित, मतलब तूने कभी खुली हुई देखी थी ये गुफा? खुली हुई देखी थी भाई ये ना, अभी कितने साल हो गए बंद हुए, 6-7 साल तो हमें यार स्कूल से पास आउट हुए होगा। एक गुफा नीचे भी है वो भी दिखाएंगे। तो ये अभी ना ये नया इसको मतलब भी कुछ सालों पहले ही इस गुफा को बंद किया गया। एक बार नीचे जाता हूँ और नीचे से दिखाता हूँ कि ये शीश महल अब कितना रह गया है। और अच्छी बात है सरकार का ध्यान इसके ऊपर आ गया। Thank you.
आपने पहले सुना होगा कि राजा अपने गद्दे के नीचे सोना छुपा के रखते थे। ये सामने दिख रहा है, यहाँ राजा बैठते थे और इधर लोग बैठते थे, और ये देखो गड्ढे खुदे ना वहाँ तक। तो यहाँ पे एक बार अफवाह ये भी फैली थी कि जैसे गड्ढे खोदे गए थे ना तो उसमें सोना निकला था। ये बात सच थी या नहीं थी, बस अमित अफवाह थे ना यहाँ तक, ये अफवाह थी। अब पता भी निकले में तो कौन बता रहा है, बट हाँ ये अफवाह थी क्या था, बट ये जो गड्ढे खुदे थे ना तो उस टाइम लोगों ने कहा था कि इसके में से सोना निकला। ये दिख रहा है ये जो नए नए ईंटें लगी यहाँ पे, ये गुफा थी। और एक बात और अमित, एक गुफा और है, एक गुफा वहाँ थी, एक गुफा और दिखाता हूँ आपको। एक गुफा चलती है इसको देखते, ये गुफा बंद, ये बंद कर दी गई है। एक ये अंदर से दिखाता हूँ, ये अंदर ना इस साइड से खुला है, पता नहीं क्या है, बहुत बंद है। एक है उसी गुफा का एक रास्ता देखो, यहाँ से, और ये क्या था, ये ऐसे ही ये गुफा में घुसा था। तो इस वाले में घुसा था या उस वाले में? उस वाले में, उस वाले अंदर गया था थोड़ा बहुत, ये बस नहीं, पहले पहले कट्टा वट्टा लगा हुआ था तो तोड़ ताड़ के निकल लेते थे, अब तो सीमेंट और ईंटें लगा दी है। तो कितने अंदर गया था? 100 मीटर कम से कम अंदर गया होगा, उसके बाद पूरा अंधेरा अंधेरा ना। हाँ भाई, चमगादड़ वगैरह आ गए सब कुछ, है ना। गुफा निकलती है सीधा आगरा, है ना, और इसको बनवाया था शाहजहां ने 1653 ईस्वी में। तो शाहजहां ने इसको ही बनवाया था, और आगरा की जो वो अपनी बेगम के लिए, ये जो महल है ना, ये कहते हैं ये भी अपनी बेगम के लिए बनवाया था, और किस बेगम के लिए बनवाया था ये कंफर्म नहीं है। बट वो जो ताजमहल बनवाया था, जो यहाँ ये गुफा है, ताजमहल निकलती है आगरा निकलती है, बस आगरा निकलती है। तो चलो अब देखते हैं, अब तो शायद कुछ नहीं रह नहीं है, थोड़ा और दिखा। अब देखो ये पीछे दिख रहा है, ये गड्ढे गड्ढे से जितने भी दिख रहे हैं, ये पूरा जो एरिया था ना, यहाँ पे रानी नहाती थी अपने जितने भी उनकी सखी सहेलियाँ जो भी होंगी उनके साथ नहाती थी। और ये गड्ढे में देखो आज भी पानी है, तो इसमें पानी ना इसी के इसमें ना इस पूरे स्विमिंग पूल में पानी यहीं से ही ऊपर आता था। बाकी एक बार दिखा देता हूँ, और वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ये रानी का महल, बाकी सब अच्छा। आपको एक बात बता रहा, ये ना एक हॉन्टेड प्लेस है, एक पीपल का पेड़ है उस साइड, दिखाऊंगा मैं आपको जाके। कहते हैं ना वहाँ पे एक बहुत बड़ा जिन रहता है, तो जो एक चौकीदार अंकल है ना, मैं इनसे पूछा आप रात को भी रुकते हो, कह रहे मैं एक ही बार रुका था लाइफ में, डर गया था। मैंने कहा आपने देखा कुछ? कह रहे देखा कुछ नहीं, बस एक आवाज़ सी आती है अजीब सी वहाँ से, इसलिए कह रहे वो दिन और आज का दिन, कह रहे मरना थोड़ी ना यहाँ पे रुक के, तो यहाँ पे ये नहीं रुकते। अब शाम का टाइम हो गया, शाम का टाइम ना वहाँ पे एक बाहर की तरफ बोर्ड सा लिखा था कि शाम को 6 बजे के बाद यहाँ रुकना मना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि मतलब शाम को 6 बजे के बाद यहाँ ना रुके। बाकी मैं एक बार ये जो कुआं है जिसमें कहते हैं कि कंकाल हैं अभी भी लोगों के, वो मैं दिखा देता हूँ। उसने जो गार्ड चाचा है उन्होंने कहा कि बेटा ऊपर मत चढ़ना क्योंकि कुआं टूटा उड़ा है, कहीं आप ही अंदर घुस जाओ। तो उसके अंदर नहीं चढ़ूँगा मैं, ऊपर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दरार सी है कि मैं ऊपर जाऊँ और वो कुआं नीचे हो जाए, और ऊपर से नहीं देखो इधर ये खुला हुआ भी है। अच्छा आपको कुआं दिख रहा है कुछ अंदर, कंकाल कंकाल कुछ नहीं दिख रहा क्या? ये काफ़ी अंदर लगे कुआ नहीं दिख रहा है, बाकी चलते हैं। हॉन्टेड जगह है ये, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड जगह है। इसकी ना इतनी हिस्ट्री मुझे पता है, लेकिन ना इसके बारे में इतना किसी को पता है। अगर सेकंड पार्ट कभी बनाने का मुझे मौका मिला तो मैं उसमें हिस्ट्री बताने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं वहाँ गया ना तो जो ऊपर डिजाइनिंग सा बना होता है ना उस टाइम, वो हस्तकला इसको बोलते थे, वो हुआ सीन वो ना, उसको जरा से मैंने हाथ लगाया वो सर पे गिर गया, तो पूरा वाइट वाइट से हो गया, बड़ा छुड़ाने के बाद भी छुटा, वो दिख रहा था पूरा वीडियो में। और घर आके फिर वो धोया होया, उसके बाद यहाँ पे आया। वीडियो का जो फर्स्ट का और सेकंड का बोलना था मैं भूल गया था ओबियसली, क्योंकि मेरे साथ पीछे जिसने कैमरा पकड़ रखा हुआ था नहीं। तो यार देखो वो जगह 4 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, तो अकेले जाना सेफ नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीन होते हैं लूटपाट के। और जगह अच्छी है अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बाकी वहाँ पे जाना कैसे है तो शालीमार बाग में जाके किससे ही पूछना, भाई सीस्मेल कहाँ है, वो बता देगा आपको सीस्मेल कहाँ पे है। तो फिर यार वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए रात को हॉन्टेड वाला, आप चाहते हो कि जाके मैं वो आपको दिखाऊं, वो क्या बोलते हैं उसको यार, भूल गया मैं, जिन क्या, बड़े वाला जिन, वहाँ कहते हैं बड़े वाला जिन है, वो दिखाऊं अगर मुझे दिख गया तो 100 सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बता देना। बाकी वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।